वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम इनकम डिटर्मिनेशन में ओपन इकोनॉमी मॉडल में न्यूमेरिकल्स पे हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप 10 ईयर आप सभी के पास में शिवदास का होगा, तो आप 10 ईयर में से इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप उठा उठा करके आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए सारा का सारा। फिलहाल आज मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो कंजम्पशन फंक्शन आपको गिवन है 100 + 0.7, इनकम डिस्पोजेबल, इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, टैक्सेस आपको पता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मालूम है आपको और क्या कह रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 500 करोड़ आपसे पूछ क्या रहा है इसमें। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। चलिए सॉल्यूशन पे आ गया, ये बता रहा है आपको कि वाई डी मीन्स होता है डिस्पोजेबल इनकम। चलिए सॉल्व करें इसको। पहले आप करिए एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं करवा देता हूँ, ज्यादा कंटेंट हो जाएगा कम टाइम में। देखें जी, आप साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है ना। कमेंट में देखता हूँ पहले आंसर कौन करता है। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पर नेशनल इनकम इक्वल्स टू क्या होता है। यहाँ पर नेशनल इनकम मतलब कि आपके पास में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये तो क्लोज इकोनॉमी मॉडल था, लेकिन जब यहाँ पर आपके पास में ओपन इकोनॉमी मॉडल आएगा तो यहाँ पर आपके पास में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास में नेट एक्सपोर्ट भी आ जाएगा। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये टर्म्स आपके पास में आ जाएंगे। इनकम इक्वल्स टू सी कंजम्पशन फंक्शन क्या है आपका, कंजम्पशन फंक्शन आपके गिवन है 100 + 0.75 और ये वाई डी मतलब क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम। वाई डी मीन्स मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाई डी मीन्स वाई डी इक्वल्स टू, यहाँ लिखा हुआ भी है आपके पास में, दिस वन सॉल्यूशन है ना, लिख दिया था, कोई बात नहीं। वाई डी इक्वल्स टू क्या होता है, वाई माइनस टैक्सिस, इसको बोलते हैं हम वाई डी, क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास में कंजम्पशन फंक्शन क्या है, 100 + 0.7 और वाई डी। वाई डी मतलब क्या होता है, वाई डी का मतलब होता है आपका इनकम माइनस टैक्सेस। तो टैक्स क्या गिवन है आपको, टैक्सेस आपका 100 करोड़ है इस पर, क्लियर है। प्लस आपके पास में इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्या किया है हमने, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, 500 करोड़ है जो सरकार ने खर्च किया है, क्लियर है। और प्लस एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम की मैं बात करता हूं यहां पर, तो एक्स क्या हमारे पास में, हाँ जी एक्स माइनस एम, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट गिवन है आपके पास में कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वाई डी, और नहीं आपके पास में नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन है, डिस्पोजेबल इनकम गिवन है, तो आपके पास में नहीं है, तो आप इसको अगर जीरो कंसिडर कर लीजिए, दो चीज आपके पास में नहीं है, क्लियर है। क्योंकि थ्री इकोनॉमी मॉडल हो सकता है, ओपन इकोनॉमी मॉडल में, ओपन इकोनॉमी मॉडल में थ्री इकोनॉमी मॉडल भी होता है, फोर इकोनॉमी मॉडल होता है। थ्री इकोनॉमी मॉडल में क्या होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाता है, इसमें टैक्स और एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो जाता है। और फोर इकोनॉमी मॉडल में क्या होता है कि इसमें फॉरेन सेक्टर भी आ जाता है, इसमें नेट एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ एक्सपोर्ट पे कोई डिस्कशन नहीं है, तो ये थ्री इकोनॉमी मॉडल का क्वेश्चन है, बात समझे, क्लियर है, बात समझे भैया, क्लियर है। एक ओपन इकोनॉमी होता है, क्लोज इकोनॉमी होता है, ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको बेसिकली। यहाँ पर बेसिकली मैं इकोनॉमी के बारे में बार बार बात कर रहा हूँ, तो इकोनॉमी को अगर मैं लेके जाता हूँ तो दिस वन, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है जी, क्यों भाई, इकोनॉमी बेसिकली कितने तरीके की हो जाएंगे,
हाँ जी, देखिएगा इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है, क्लोज इकोनॉमी मॉडल होती है। क्या होगी, एक क्लोज इकोनॉमी, क्लियर है जी, और एक आपके पास में होती है ओपन इकोनॉमी। एक होती है ओपन इकोनॉमी, है सब कुछ मैं बता चुका हूं, लास्ट क्लास है इस यूनिट का। क्लोज इकोनॉमी में टू सेक्टर होते हैं। फर्स्ट सेक्टर आपका कौन सा होता है, फर्स्ट आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट, दो सेक्टर होते हैं। ओपन इकोनॉमी मॉडल बेसिकली थ्री सेक्टर भी होता है इसमें, और इसमें फोर सेक्टर भी होता है, क्लियर है। थ्री सेक्टर में अगर आप देखते हैं तो थ्री सेक्टर में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जिसमें कि आपके पास में एक गवर्नमेंट सेक्टर हो जाता है, क्लियर है, बात समझे। गवर्नमेंट सेक्टर आने से क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर के आने से इनकम यूज नहीं होती, इनकम डिस्पोजेबल यूज होती है, और प्लस में आपके पास में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यूज होने लग जाता है। फोर इकोनॉमी मॉडल में क्या होता है कि सी थ्री सेक्टर इकोनॉमी तो रहता ही रहता है, प्लस में एक आपके पास में नेट एक्सपोर्ट भी आ जाता है, ये आपका कुल इकोनॉमी रहती है। तो इकोनॉमी बेसिकली आपका क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी में टू सेक्टर रहता है, एक हाउस होल्ड रहता है और एक फर्म रहता है जिसमें कंजम्पशन होता है और एक इन्वेस्टमेंट होता है। और ओपन इकोनॉमी मॉडल में आप देखेंगे कि ओपन इकोनॉमी मॉडल के अंदर आपके पास में थ्री सेक्टर भी होते हैं और फोर सेक्टर भी होते हैं। लास्ट सब कुछ बता चुका हूं मैं, अब एंड कर रहे हैं, तो फिर भी आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। वाई इक्वल्स टू सॉल्व करते हैं हम यहां पर, 100, ये 100 हो गया, और ये आपके पास है 200, 300 हो गया, और ये आपका 800 हो गया। 800 प्लस 0.75 वाई, और ये इसका आप 75% निकालेंगे तो 75 ही तो होगा 100 का, 75, और सॉल्व करेंगे दिस पर। अब यहां पे इसको माइनस करेंगे, वाई माइनस 0.75 वाई इक्वल्स टू 800 माइनस आपका 75 आया, तो 725 करोड़। एंड वाई में से आपका गया एक में से, मतलब किसको आप 100 मान लो, एक तरीके से जब पॉइंट के बाद है ना दो डिजिट तो इसको 100 मान लो, पॉइंट के बाद एक डिजिट होता तो इसको आप 10 मान लिया करो, ठीक है, आसान रहेगा। 100 में से 75 गया 25, तो मतलब 0.25 वाई। आप एक कैलकुलेटर तो रहेगा ही जी, तो इतना घबराना क्या, 725 डिवाइडेड बाय 0.25, सॉल्व करेंगे ये 2 जीरो आ गया, तो 4 सत्ते 28 और 1 29, सॉल्व करेंगे वाई इक्वल्स टू 2900 करोड़, क्लियर है जी।